ओम अरहम सुगुरु शरणम विघ्न हरणम मिटे मरणम सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम। परम पावन परम आराध्य प्रातस्मरणीय आचार्य श्री महाशमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदि वंदना वंदे अरहं वंदे गुरुवर वंदे सहजौ सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेंद्र सुप्रभात गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है चंद्र नमस्कार। चंद्र नमस्कार के स्टेप हम क्यों चंद्र नमस्कार का प्रयोग हम क्यों करें और कैसे करें स्टेप्स ऑफ मून सैल्यूटेशन। तो चंद्र नमस्कार क्या पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा। सूर्य नमस्कार के बारे में तो हम सब जानते हैं। सूर्य नमस्कार का प्रयोग हम लोग बीच बीच में करते भी रहते हैं देखते भी है। चंद्र नमस्कार कैसे किया जाता है इसके बारे में हम आज जानेंगे और हमारे साथ रक्षा जी ठाकुर हिमाचल प्रदेश सिरमौर हिमाचल प्रदेश से जुड़ी है। कड़ाके की ठंड है वहां पर अभी फिर भी देखिए इस ठंड में भी आज हमें मार्गदर्शन देने के लिए आप हमारे साथ जुड़ी है। तो रक्षा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभार। अब हम रक्षा जी को आमंत्रित करेंगे आज का सेशन शुरू करने के लिए। जी ओम सर थैंक यू। जय जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र। तो आइए आप सबको सबसे पहले तो मेरा नमस्कार और सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो मुझे सेवा का मौका देते हैं। तो आइए समय को ध्यान में रखते हुए आज की इस क्लास को इसका शुभारंभ करते हैं आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो आप सभी ध्यानात्मक आसन में बैठ के कोई भी ध्यानात्मक मुद्रा लगा के आंखें बंद मन सहज कमर गर्दन को सीधा करें मुख में प्रसन्नता का भाव और मन में भी प्रसन्नता का भाव लेते हुए थोड़ी देर के लिए डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करेंगे एकाग्रता बनाए रखने के लिए। आइए सभी लंबे गहरे सांस तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे। आप सभी भी मेरे साथ दोहराने का प्रयास करें गहरे लंबे सांस को लेते हुए तीन बार ओम का उच्चारण।
गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मुच्यमामृतात्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। शांत हो जाए थोड़ी देर, अपने भीतर आई शांति का अनुभव करें, इसे महसूस करें। कितना पावन पवित्र है मेरा ये मन, मेरा ये तन, और इस शुद्ध मन से शुद्ध तन से उस परम सत्ता परमेश्वर के चरणों में नमन करते हैं, वंदन करते हैं। हे परमात्मा, आज का दिन तूने मुझे जीने के लिए दिया, उसके लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। इस रात के अंधेरे में ना जाने कितनी आत्माएं सोई, और उसमें से कितनी आत्माओं को आज का सवेरा देखने को मिला। हे परमात्मा, मैं उसका साक्षी हूँ, और मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं पूरा दिन प्रसन्न रहूंगा, खुश रहूंगा, स्वयं को भी खुश रखूंगा, प्रसन्न रखूंगा, स्वस्थ रखूंगा, और दूसरों को भी हम कभी चोट नहीं पहुंचाएंगे। और आप सबको भी मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। सुबह का समय है, ब्रह्म मुहूर्त का ये समय कहलाता है। इस समय हमारे पंच तत्व पूरी तरह से शांत होते हैं, और इस शांत वातावरण में सुबह का जो समय है, इस समय योग जब हम करते हैं तो सोने पे सुहागा, स्वास्थ्य की हमें प्राप्ति होती है, परमात्मा की हमें प्राप्ति होती है। और आज के समय में बहुत सारी सुविधाएं हैं, घर घर में रसोई रसोई तक योग पहुंच चुका है। सिर्फ हमारी लेने की एक ललक हमारे मन में, एक अभीप्सा जिसको कहा जाता है, एक शब्द है, वो लेने की हमारे भीतर एक कोशिश होनी चाहिए जिससे कि हम प्राप्त कर सके। और अगर हम जागे नहीं तो फिर हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, और अगर जा सोए हैं तो सब कुछ हाथ से चला जाता है। तो इसलिए रोज जो ये आप लोग ये काम कर रहे हैं और हम लोगों को भी सेवा का मौका देते हैं, तो उसमें बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं आप सबका, और खासकर सर का जो इतने सालों से ये क्लास चला रहे हैं। और हम सभी को, मैं एक स्टूडेंट हूँ सिर्फ, और हम सबको भी सीखने के लिए और करने के लिए बहुत कुछ है। तो आइए गहरे लंबे सांस लेते हुए थोड़ी देर के लिए डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करेंगे। लंबे गहरे सांस, और अगर किसी को कोई बीपी की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल धीमी गति से करें। बाकी सब तीव्र गति से इस अभ्यास को कर सकते हैं। पहले हम दाई नासिका से लगातार सांस को लेंगे और छोड़ेंगे, फिर बाई नासिका से सांस को लेंगे और छोड़ेंगे। तो करते जाए, पहले बाई नासिका को बंद करके दाएं से सांस को लेना है और छोड़ना है, लगातार करते जाए थोड़ी देर के लिए। तीव्र गति से जितना आप तीव्र गति से कर सकते हैं, लेकिन ध्यान ये देना कि सांसों की जो हमारी लेंथ है वो छोटी ना हो, वो बिल्कुल लंबी हो, और कंधे हमारे बिल्कुल स्थिर रहे। इससे क्या होगा कि अगर समय कम है हमारे पास, हम बहुत बहाने करते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, मैं योग तो करना चाहता हूँ, तो ये उन लोगों के लिए है जिनके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। तो 1 मिनट में भी हम ऊर्जा को उतना ही ग्रहण कर सकते हैं जितना हम 10 मिनट में ग्रहण करते हैं। तो आइए करते जाए, दाई नासिका से सांस को एक्सेल और इनहेल करते जाए।
रिलैक्स, और इसी तरह से लेफ्ट नोस्टल से भी एक्सहेल और इनहेल। रिलैक्स, इस तरह से हमने दोनों नासापुटा को अच्छे से खोल देना, और इसके बाद फिर से तीव्र गति से भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना है। और ध्यान ये दे कि जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो, तो अपने शरीर के साथ अति ना करे, अतिक्रमण ना करे, वो सामान्य गति से करे। तो चलिए करते हैं तीव्र गति से 1 मिनट के लिए दोनों नासिकाओं से। मध्यम गति, और सामान्य गति, रिलैक्स। हल्का सा अभ्यास करेंगे, स्ट्रेचिंग का अभ्यास। दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, इंटरलॉक करते हुए पूरा ऊपर की ओर तान ले अच्छे से। सांस खींच लेते हुए ऊपर, फिर वापस, फिर से एक बार सांस लेते हुए ऊपर वापिस। और इसी तरह से राइट साइड, दोनों हाथों को खींच के रखना ऊपर की ओर, और बीच में आए सांस लेते हुए दूसरी साइड, करते जाए साइड बाय साइड। रिलैक्स, और इसके बाद दोनों हाथों को कंधों पे टिकाए, दोनों हाथ कंधे पे, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेके जाना है। एक दो, एक दो, रिदम के साथ करना है, सांसों को इन्वॉल्व करें। एक दो, जितना धीमी गति से हम बाजुओं को ऊपर की ओर लेके जाएंगे, उतना धीमी गति से सांस को अंदर लेना है और बाहर छोड़ना है। और इसी तरह से साइड में, और सामने की ओर, हथेलियां आसमान की ओर, रिलैक्स। और इस अब हमने क्या करना है इसके लिए है, ये स्टिचिंग के लिए, राइट मतलब साइड का जो फैट है उसके लिए। तो आजकल क्या होता है, सर्दियों का मौसम है, खाना भी थोड़ा सा अधिक खाया जाता है, तो इसलिए उस खाने को कैसे डाइजेस्ट करना है और हमारी जो कमर है वो बिल्कुल पतली बन रही है, उसके लिए क्या करें, दाएं हाथ को जमीन पे टिका दें। इसी तरह से बैठना है पद्मासन में, दाएं पैर को जमीन पे टिका देना है, और बाएं हाथ को जितना आप ऊपर ले जा सकते हो, जितना खींच सकते हो, खींचने का प्रयास, कोशिश करें धीरे धीरे नीचे जाने की कोशिश करनी है, कि ये हाथ भी हमारा मैट को टच करे, लेकिन ध्यान दें कि नितंब को ना उठाए, ये तो हमारे दोनों जमीन पे खींचते जाए अपने आप को धीरे से वापिस। इसी तरह से अपोजिट साइड से बाएं हाथ को बाएं घुटने के पास, कोहनी को भी नीचे लगाना है, बाएं हाथ और बाएं कोहनी पूरा नीचे, और इसी तरह से खींचते जाए अपोजिट साइड से। आप देखोगे साइड में बहुत खिंचाव आता है। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, रिलैक्स, वापिस आ जाए। ये हल्का सा स्ट्रिचिंग का अभ्यास है, और कलाई के लिए अभ्यास, दोनों हाथों को सामने रखें, और सबसे पहले हाथों की उंगलियों के लिए, जैसे कुछ चीज निचोड़ रहे हो, दोनों हाथ बिल्कुल सीधे, सांसों के साथ गहरे लंबे सांस, और अब एक बार मुट्ठी बंद करनी है, और एक बार अंगूठा बाहर, और इसी तरह से रिस्ट मूवमेंट कलाई के लिए। जितना पास में लेके आओगे दोनों हाथों को, उतना खिंचाव अधिक पड़ता है,
और अपोजिट साइड रिलैक्स। तो ये कुछ अभ्यास सूक्ष्म सी क्रियाएं जो हमने की, और इसके बाद खड़े होके चंद्र नमस्कार का भी अभ्यास करेंगे। चंद्र नमस्कार क्यों करना चाहिए, किस लिए किया जाता है और इसकी क्या विधि है, थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी। और आप तब तक डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करते जाए। जैसे सूर्य नमस्कार है, सूर्य नमस्कार हमारे बिल्कुल दिल दिमाग में बस चुका है, ऐसा नहीं है। चंद्र नमस्कार को भी बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी चंद्र नमस्कार इतना फेमस नहीं है। और लेकिन चंद्र नमस्कार के फायदे बहुत ज्यादा है। चंद्र नमस्कार जैसे हमारे दो स्वर है, राइट स्वर और लेफ्ट स्वर, यानी के सूर्य स्वर और चंद्र स्वर, तो इसी तरह से सूर्य नमस्कार और चंद्र नमस्कार भी बना है। सूर्य नमस्कार ऊर्जा देता है, गर्मी देता है, और चंद्र नमस्कार हमें ठंडक देता है, शीतलता प्रदान करता है। तो इसलिए जब हम इस अभ्यास को करते हैं, तो इसमें हमारा क्या है, सूर्य नमस्कार को जब किया जाता है तो उसमें आगे और पीछे का मूवमेंट होता है, और चंद्र नमस्कार को जब किया जाता है तो इसमें साइड का मूवमेंट होता है, दोनों साइड के लिए इसको किया जाता है। तो इसमें बहुत सारे आसन, मतलब इसमें जितने भी आसन है उसमें पूरी बॉडी इन्वॉल्व है, जैसे सूर्य नमस्कार है। और इस अभ्यास का ये ध्यान देना है, जिनको कमर में बहुत ज्यादा पेन है वो थोड़ा सा धीमी गति से करते, तो इसको धीमी गति से ही है, और थोड़ा अपने आप को ध्यान दे के करना है। तो चलिए खड़े हो जाए सभी अपने अपने स्थान पे। पहले हल्का सा वार्म अप कर ले अपने आप को, दोनों हाथ कमर पे, और धीरे धीरे कदम ताल, गहरे लंबे सांस। और धीरे धीरे गति को बढ़ाए, कोशिश करें हमारे जो एरिया है वो नितंब को छूने का प्रयास करें। शरीर को अच्छे से गर्म कर लें। नेक्स्ट, और इसी में हमने क्या करना है, एक पैर को आगे रखना है, राइट पैर हमारा आगे रहेगा, लेफ्ट पीछे, और इसमें उछल के जंप दे के आगे की ओर जाए, एक दो तीन चार पांच, और अब थोड़ा सा तीव्र गति से, रिलैक्स, वापिस आ जाए, गहरे लंबे सांस, विश्राम की स्थिति, हाथ दोनों सामने और पैरों में हल्का सा गैप, गहरे लंबे सांस, रिलैक्स। चलिए अब हम शुरू करेंगे चंद्र नमस्कार का अभ्यास। चंद्र नमस्कार को कैसे किया जाता है, मैं धीमी गति से आपको बताने का प्रयास करूंगी। सबसे पहले मैट के एक साइड को आ जाए थोड़ा सा, और गहरे लंबे सांस, तैयार कर ले अच्छे से अपने आप को, रिलैक्स, पैरों में हल्का सा गैप दे दे, थोड़ा सा फास्ट, और जहां से हमने अब स्टार्ट करना है, सबसे पहले दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाए, जैसे हम ताड़ासन में उठाते हैं, पूरा सीधा। मेरे पास थोड़ा सा ऊपर की जगह कम है, तो मेरी जो बाजू है वो छत पे लग रही है, और मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि जैसे ताड़ासन में किया जाता है, दोनों हाथों को पूरा स्ट्रेच करना है, लेकिन हमने इंटरलॉक नहीं करना है। जैसे हम हाथों को इस तरह से लेके जाते हैं, यहाँ पे हमने प्रणाम मुद्रा में जाना है, यहाँ ऐसे करके दोनों हाथों को पूरा ऊपर की ओर खींचे। कोशिश करें कि हमारे दोनों हाथ दोनों बाजू में कान से सटी हो, बिल्कुल कान के साथ खींचते जाए, और पंजे के बल आ जाए, पंजे के बल आए और ऊपर की ओर खींचे, वन
टू में वापिस फिर से करें पूरा ऊपर वापिस, पैरों में गैप है और यहां से बाईं ओर झुकने का प्रयास करना है। दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा, बाईं ओर झुकने का प्रयास, हाथ बिल्कुल सीधे वापिस अपोजिट साइड दाईं ओर फिर वापिस, एक बार फिर से लेफ्ट ओर सांस छोड़ते हुए ऊपर, फिर से अपोजिट साइड राइट ओर जाए और सांस लेते हुए वापिस रिलैक्स। और यहां से दोनों हाथ हमारे अभी भी ऊपर है और बाएं पैर को उठाना है, यानी कि लेफ्ट लेग को उठा ले, पूरा ऊपर उठाया और साइड में लेके जाना है धीरे धीरे। उत्कट आसन, नीचे बैठ जाए और दोनों हाथों को इस तरह से दूस लेके आना है, रुके थोड़ी देर। उत्कट आसन, बाईं ओर इस समय हम इस अभ्यास को कर रहे हैं और धीरे से वीरभद्र आसन की स्थिति। वीरभद्र आसन में बायां जो पैर है वो सीधा आगे की ओर लेके जाए और हल्का सा दायां पैर सीधा, बायां हल्का सा मुड़ता है। वीरभद्र आसन, धीरे से बाएं हाथ को बाएं पैर के पास लेके आए, बायां पैर और बायां हाथ। त्रिकोण आसन, नजर ऊपर वाले हाथ की ओर। अब धीरे से दाएं पैर को भी बाएं सॉरी दाएं हाथ को भी बाएं पैर के पास लेके आए, या आप पैर को पकड़ सकते हो दोनों हाथों से, पैर को पकड़ लिया। और पर्वत आसन की स्थिति, यहाँ पे अब हमने क्या करना है, दाएं पैर सॉरी घुटने से नाक को छुआने का प्रयास करें, कोशिश करें, हो जाए तो अच्छा है। रुके यहाँ पे थोड़ी देर। अब धीरे से दोनों हाथों को जैसे सूर्य नमस्कार में रखा जाता है अश्व संचालन आसन, दूसरे पैर को भी मोड़ दे और अश्व संचालन आसन की स्थिति। धीरे से दोनों हाथों को ऊपर उठाए, प्रणाम मुद्रा, जितना पीछे की ओर जा सकते हो जाने का प्रयास, हाथ बिल्कुल सीधे। दोनों हाथों को फिर से मैट पे टिकाए, दोनों हाथ को मैट पे और पीछे से दाएं पैर को उठाया, दाएं टांग को अंदर की ओर पैर को मोड़ा, दूसरे पैर को भी अंदर की ओर मोड़ना है। अब धीरे धीरे सामने की ओर लेके आए, जब हम सामने की ओर आएंगे तो हमारा एक पैर दाया जो पैर है वो सीधा रहेगा, बायां पैर मुड़ा है, कोशिश करें। लेकिन अगर आप नहीं बैठ पा रहे हो, पूरा जो पंजा है हमारा एड़ी जो नीचे लगती है, अगर नहीं लग पा रही तो आप पंजे के बल भी इस तरह से रुक सकते हैं, जितना आप रुक पाओगे कोशिश करें। और यहाँ पे हाथ को जोड़ना है, ये यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है वन साइड। और यहीं से जैसे सूर्य नमस्कार सात आसन के बाद रिपीट होता है, तो इसी तरह से यहाँ से ये आसन रिपीट होंगे लेकिन दूसरी साइड। अब दोनों हाथों को मैट पे टिकाए, पूरा ऊपर उठे, ऊपर मतलब इस तरह से उठना है और अपोजिट साइड दाएं पैर को मोड़ना है, बायां पैर हमारा अब बिल्कुल सीधा। दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में जोड़ा, फिर से अपोजिट साइड, यहां से शुरू होता है अश्व संचालन आसन। अश्व संचालन आसन, बायां पैर हमारा बायां घुटना जमीन पे और दाया जो पैर है वो इस तरह से, और दोनों हाथों को फिर से उठाए प्रणाम मुद्रा में बिल्कुल सीधा और दोनों हाथों को फिर से जमीन पे टिका दे, पैरों को सीधा करे दोनों पैर और कोशिश करे कि हमारा जो नाक है वो घुटने को टच करे। दोनों हाथों को आप पैर के पास इस तरह से टिका सकते हैं, आपको सपोर्ट भी बनेगा और आप कर भी लोगे। तो रुके यहाँ पे। अब धीरे से त्रिकोण आसन, बायां
हाथ ऊपर लेके जाए, दायां हाथ और दायां पैर जमीन पे, त्रिकोण आसन। फिर धीरे से वीरभद्र आसन, ऊपर उठे, दाएं पैर को हल्का सा मोड़ना, दाएं पैर और दोनों बाजू पूरी तरह से फैली हुई, रुके यहाँ पे और फिर पैर को अंदर की ओर मोड़े और उत्कट आसन, उसी स्थिति में वापिस आना है। हाथ जोड़े ऊपर गए, उस समय हम क्या है बाएं पैर को उठाया था और अब हमने दाएं पैर को उठाना है, दाएं पैर को उठाते हुए वापिस आ जाए और धीरे धीरे वापिस आसन से बाहर निकले। ये हमारा चंद्र नमस्कार है और लंबे गहरे सांस ले। आसन इसमें किसी में 14 आसन है, किसी में 16 आसन है और चंद्र नमस्कार भी दो तरीके से किया जाता है। एक सेम हमारा सूर्य नमस्कार की तरह है और ये बिल्कुल डिफरेंट है। चलिए गहरे लंबे सांस ले, फिर से हम इस विधि को दोहराएंगे। पहले सामान्य स्थिति, चलिए शुरू करेंगे फिर से। पैरों में हल्का सा फासना और फिर से दोनों हाथों को, और दूसरी बार आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा और आप लोग करते भी हो, कोई नया है तो ये उनके लिए है, बाकी सभी आप कंटिन्यू करते जाए। चलिए दोनों हाथों को फिर से प्राणायाम मुद्रा में जोड़ा, पूरा ऊपर की ओर लेके गए, दोनों बाजुए कान से सटी हो, पंजे के बल धीरे से वापस, फिर से एक बार पूरा तान ले ऊपर की ओर, रिलैक्स। और अब दाईं ओर झुके, दोनों हाथ हमारे प्रणाम मुद्रा में दाईं ओर, वापस अपोजिट साइड, वापस दाईं ओर, फिर ऊपर अपोजिट साइड। और अब हमने क्या करना है, दाएं पैर को उठाना। पहले हमने बाएं पैर को उठाया था, हाथ हमारे अभी भी ऊपर, दाएं पैर को उठाए, पूरा उठा लेना है पहले यहाँ पे इस तरह से, उठाए और दाईं ओर लेके जाए, धीरे से उत्कट आसन। घुटनों के बल बैठना है इस तरह से, जितना आप बैठ सकते हो, स्ट्रेचिंग के लिए बहुत ही अच्छा ये अभ्यास। अगर आपका बैलेंस नहीं बनता है तो आपने क्या करना, हाथों को रिमूव कर दे, हाथों को छोड़ दे और यहाँ पे घुटनों को सहारा दे दोनों हाथों से। इस तरह से हम रुक सकते हैं थोड़ी देर के लिए, जितनी देर के लिए आप रुकोगे, और कोशिश करें नीचे जाने की ताकि हमारा परफेक्शन आ जाए अच्छे से। अब यहाँ पे क्या हो गया, सहारा भी मिल गया और आसन भी हो जाएगा। और फिर दोनों हाथों को छोड़े, मुद्रा बनानी है उत्कट आसन, रुके जितनी देर रुक सकते हो और फिर वीरभद्र आसन। वीरभद्र आसन में यहीं से जाना है, बाएं पैर को सीधा करें, दायां पैर हमारा मुड़ा रहेगा और हाथ भी हमारे एक हाथ ऊपर और एक हाथ नीचे, रुके यहाँ पे, हथेलियां दोनों जमीन की ओर। अब यहीं से त्रिकोण आसन की स्थिति में हम जाएंगे, दाई साइड से कर रहे हैं, दायां हाथ दाएं पैर के ऊपर टिका ले, घुटने को सीधा करें और एक हाथ हमारा ऊपर, बाएं हाथ ऊपर, दाया हाथ दाएं पैर के ऊपर। अब धीरे से बाएं हाथ को भी नीचे लेके आए, दोनों हाथ हमारे पैर के पास, कोशिश करें अपने सिर को अंदर की ओर लेके जाने की और कोशिश करें कि हमारा जो सिर है, नाक है, वो घुटने को टच करे, रुके यहाँ पे। अब धीरे से अश्व संचालन आसन की स्थिति, अश्व संचालन आसन, दोनों हाथ दोनों पैर पैर के बीच में, और जैसे हम सूर्य नमस्कार में अश्व संचालन आसन करते हैं सेम वही है,
और धीरे से दोनों हाथों को ऊपर उठाना है, जोड़े ऊपर कनार मुद्रा में, पूरा खींच ले और पीछे जितना आप जा सकते हो, रुके यहाँ पे, धीरे से वापस, दोनों हाथ हमारे जमीन पे, बायां जो पैर है, बायां जो घुटना है वो जमीन पे है, उसे उठाए और अंदर की ओर, सामने की ओर दोनों घुटने को मोड़ना है और यहाँ पे अच्छे से बैलेंस बना ले। हो सकता है आपके टांगों में बहुत खिंचाव आए तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आप हल्का सा टांग को इस तरह से मोड़ ले, थोड़ा मुड़ गए कोई बात नहीं, और हल्का सा हो सकता है पंजे में भी आपको दिक्कत आए पूरा रखने में, तो धीरे धीरे इसको सीधा करना है सावधानी पूर्वक, और फिर दोनों हाथों को जोड़ दे, रुके थोड़ी देर, और यहां से आसन यही रिपीट होगे। अब दूसरी साइड दोनों हाथों को जमीन पे अच्छे से टिका ले, और नहीं टिका पाए तो आसन को रिमूव करे, छोड़ दे यहाँ से, और वहां के लिए फिर दोबारा से स्टार्ट करें। लेकिन अगर आप इसी स्थिति में आकर सकते हो तो दोनों हाथ मैट पे और एक टांग को बिल्कुल सीधा करके दूसरे साइड को आराम से मुड़ना है, फिर से आसन को स्टार्ट करें। ये आसन, दोनों हाथ हमारे जुड़े हुए, और यहीं से अश्व संचालन आसन की स्थिति, फिर से घुटना जमीन पे, दोनों हाथों को फिर से उठाए, अब दोनों हाथों को फिर से जमीन पे रखना है, पीछे से दाई टांग को उठा के त्रिकोण आसन की स्थिति में आना है, बायां पैर और बायां हाथ दोनों जमीन पे, और फिर आए धीरे धीरे वीरभद्र आसन। इस समय हम अपोजिट साइड से कर रहे हैं, दायां दाई टांग बिल्कुल सीधी, बाई टांग को हल्का सा मोड़ दे, वापिस आए, दोनों पैर अंदर की ओर, उत्कट आसन, उसी स्थिति में अब धीरे से दोनों हाथों को ऊपर उठाए। पहले हमने क्या किया था, दाई टांग को उठाया था, लेकिन अब हमने बाई टांग को उठाते हुए वापिस आना है, हल्का सा गैप, फिर से ऊपर की ओर स्टिचिंग करते हुए ऊपर, और धीरे से दाई साइड, फिर बाई साइड, और धीरे धीरे आसन से बाहर निकले, रिलैक्स, गहरा लंबा सांस। तो चलिए, ये हमने दो राउंड पूरा किया, कंप्लीट किया, और अब बैठने की स्थिति, बैठने की स्थिति में दोनों हाथ सामने, पैरों में हल्का सा फासला, चेयर पोज, रुके थोड़ी देर, और इसमें हम पैरों को इकट्ठा भी रख सकते हैं और थोड़ा सा दूर दूर धीरे धीरे नीचे, और विश्राम स्थिति, दोनों हाथ पीछे, और यहाँ पे हल्का सा विश्राम करें, टांगों को हिलाए डुलाए, रिलैक्स, और एक तो आसन हम लेटने वाले लेंगे इसमें, क्योंकि थकावट बहुत ज्यादा होती है शरीर में, जकड़न बहुत ज्यादा होती है सर्दियों में, और आसन जो है ये, इससे बहुत खिंचाव आता है शरीर में। तो चलिए सभी पीठ पेट के बल लेट जाएं, पेट के बल, पेट के बल लेटने के बाद थोड़ी देर बाल आसन की स्थिति, बाल आसन में एक टांग को हमने उठाना है थोड़ा सा ऊपर की ओर, जैसे बच्चे सोते हैं, एक टांग उठी होती है और एक टांग सीधी होती है, और दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे या कान के नीचे रख ले, विश्राम करें, गहरे लंबे सांस, कितना रिलीफ मिलता है।
और इसी तरह से अपोजिट साइड, पहले अगर बाई टांग उठाई है तो अब दाई टांग को उठा के यहाँ पे विश्राम करें। रिलैक्स। आइए भुजंग आसन का अभ्यास। भुजंग आसन नाम से ही स्पष्ट है, और पैरों को आपस में जोड़ दे पीछे से, दोनों हाथों को अपने छाती के पास, वक्ष के पास टिका दे, कोहनियां अंदर की ओर मुड़ी हुई, पैर पीछे से मिले हुए, पंजे पूरे बाहर की ओर खींचे हुए, घुटने आपस में मिले हुए, कोहनी अंदर की ओर, और जितना आप हाथों को नीचे की ओर लेके जाओगे वक्ष के पास, उतना आप आगे से अच्छे से उठ पाओगे। तो सांस भरते हुए उठाए अपने आप को। होल्ड करें, 1, 2, 3, 4, 5। धीरे से वापिस फिर से करेंगे एक बार। सांस भरते हुए कोहनियां मोड़ के रखनी है अंदर की ओर, अंदर की ओर। कोशिश करें कि हमारे शरीर को छूती हो, बाहर को ना लेके जाए। रुके यहाँ पे और धीरे धीरे वापिस। ये हमने अभी किया भुजंगासन, और इसका वेरिएशन पोज, अपोजिट पोज करेंगे शलभासन। दोनों हाथों को थाइस के नीचे टिका ले अच्छे से, थोड़ी जमीन पे, और दाएं पैर को उठाए सांस भरते हुए। दाएं पैर को उठाए जितना आप उठा सकते हो, उठाए और रुके। दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पंजे तने हुए। होल्ड करें, 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। धीरे से वापिस, और दूसरी साइड से बाएं पैर को भी उठाएं। रुके थोड़ी देर, 1, 2, 3, 4, 5। धीरे से वापिस। फिर से बालासन की स्थिति, गहरे लंबे सांस। आसनों को हमने जब भी करना है तो विश्राम में रह के ही, शरीर को थकावट ना आने दें। आपको लगता है शरीर में थकावट हो रही है तो पहले विश्राम करें, उसे थकाए नहीं। लंबे गहरे सांस, और इसके बाद पेट के बल, सॉरी पीठ के बल आ जाए, पीठ के बल। गहरे लंबे सांस। जब भी हमने विश्राम करना होता है पेट के बल, तो हम लेटते हैं बालासन या मकर आसन, और जब विश्राम किया जाता है पीठ के बल तो लिया जाता है शवासन। थोड़ी देर के लिए शवासन की स्थिति, गहरे लंबे सांस। चलिए अब इसमें हम हल आसन का अभ्यास करेंगे, अर्धहल आसन। और जो पूर्ण हल आसन कर सके तो वो पूर्ण हल आसन भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले अर्धहल आसन। दोनों हाथों को अच्छे से जमीन पे टिका दे, और एक एक टांग को उठाना है। कोशिश करें एक एक टांग को उठाने की, बिल्कुल सीधा। एक, धीरे से वापस, 2, 3, 4, 5, 6। और कोशिश करें दोनों पैरों को साथ में उठाने की, घुटने आपस में मिले हुए और पैर भी आपस में मिले हो। ध्यान दे, दोनों हाथ पैरों को उठाए और रुके यहाँ पे थोड़ी देर, जितनी देर आप रुक सकते हो। पूरे पंजे खींचे हो, पूरे तने अच्छे से, और घुटने बिल्कुल सीधे। होल्ड करें, रिलैक्स। धीरे धीरे वापस। शायद इधर को दिख नहीं रहा, मैं इस साइड को मुड़ती हूँ। फिर से करेंगे, दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठाए, और यहां से आप हल आसन की स्थिति में कोशिश करें पूर्ण हल आसन,
अगर आप कर पाओ तो बहुत अच्छा है, नहीं हो पाए तो अर्धनारीवादी करें, बहुत ही अच्छा है ये थायराइड के लिए और हर चीज की बीमारी के लिए। चलिए उठाए दोनों पैरों को और कोशिश करें कि हमारे जो पैर है वो पंजे है वो पूरे पीछे लग जाए नीचे मैट पे, और दोनों हाथों को जमीन पे टिका लें। रुके थोड़ी देर, जितनी देर आप रुक सकते हो, और दोनों हाथों को, दोनों कोहनियों को जमीन पे टिका के सर्वांगासन की स्थिति जिनसे हो पाए करने का प्रयास करें। रुके थोड़ी देर और धीरे धीरे वापिस आए, गिरना नहीं है, आराम से सावधानी पूर्वक रिलैक्स। अभी हमने किया हलासन और इसका वेरिएशन पोज मत्स्यानासन, क्योंकि गर्दन को हमने अभी अंदर की ओर मोड़ा है, अब गर्दन को बाहर की ओर मोड़ना है। तो दोनों हाथों को अपने नितंब के नीचे रख ले, दोनों हाथ नितंब के नीचे, और कोहनी के बल इसमें उठा जाता है, कोहनियों के बल में हमारा ऊपर का शरीर, अस्थमेटिक प्रॉब्लम है, श्वास संबंधी जो भी प्रॉब्लम है, बहुत ही अच्छा ये अभ्यास है। सर्वाइकल की जिनको प्रॉब्लम है, थायराइड की, उसमें बहुत ही अच्छा ये अभ्यास है। तो चलिए कोहनियों के बल पहले ऊपर उठा ले शरीर को, ऊपर वाला शरीर, और फिर गर्दन को मोड़ते हुए नीचे, गर्दन हमारी जमीन पे, छाती ऊपर की ओर उभरी हुई, और कोहनी के बल शरीर, पंजे आपस में मिले हो। रुके थोड़ी देर, अब धीरे धीरे सावधानी पूर्वक अपने शरीर को नीचे रखें, आसन से बाहर निकले और विश्राम दे अपने आप को, गहरे लंबे सांस। और अपने आप को याद करें कि हमने क्या क्या किया, शरीर को लेटाएं और स्मरण करें जो हमने अभी तक किया, जितने भी आसन, खड़े होके वीरभद्र आसन, उत्कट आसन, त्रिकोण आसन, ताड़ आसन, योगिंग जॉगिंग, सूक्ष्म अभ्यास, वो सब मेरा शरीर कर रहा था, और इस समय मेरा शरीर पूरी तरह से लेट चुका है, और लेटते लेटते भी हमने सर्वांगासन, हलासन, बालासन, और अंत में मेरा शरीर शवासन की स्थिति में पूरी तरह शव के समान लेटा हुआ। अपने इस अग्नि तत्व को पूरी तरह से शांत करें, शिथिल करें, कहीं भी आपको शरीर में हम कपी फील हो रही हो, या गर्मी सी फील हो रही हो, जकड़न फील हो रही हो, दर्द फील हो रही हो, तो उसको शांत करें। अपने आप को मन की आंखों से देखें, थोड़ी देर रुके, कितना आनंद आता है शरीर को इस तरह से। जब हम बिस्तर में सोते हैं तो कभी हमें तकिया सीधा नहीं लगता, कभी कुछ प्रॉब्लम होती है, लेकिन इस समय देखिए आनंद की स्थिति में, कोई चाह नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, और बाई करवट लेते हुए धीरे से उठ जाए, क्योंकि समय कम है, शवासन नहीं हो पाएगा, ये थोड़ा सा रिलैक्सेशन के लिए था। आइए अब थोड़ी देर के लिए डीप ब्रीदिंग का अभ्यास, गहरे लंबे सांस,
विश्राम करें और मन ही मन प्रभु का सुमिरन और साथ ही साथ प्राणायाम का हम अभ्यास कर रहे हैं। तस्मिन सति श्वास प्रश्वास युगति विच्छेद प्राणायाम। पतंजलि ऋषि ने जो सूत्र दिया है प्राणायाम का, तो बहुत ही कारगर है, इसको हम समझ सकते हैं। करते जाए दीप अभ्यास। इस समय तीव्र गति से हम अभ्यास नहीं कर रहे हैं, लंबे गहरे सांस। और अब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे थोड़ी देर के लिए, अपनी नाड़ियों की शुद्धि के लिए। गहरे लंबे सांस, दाएं हाथ से, दाएं अंगूठे से दाई नासिका को बंद करके बाएं से सांस को लेना है। दाएं से बाहर, दाएं से सांस को लिया, बाएं से बाहर, बाएं को सांस को ले, दाएं से बाहर, पूरी तरह से रिदम के साथ करते जाए। और सांसों की लेंथ को कैसे बढ़ाया जाता है थोड़ा सा हम इसमें भी प्रयास करेंगे। मैं काउंटिंग के साथ आपको ब्रीदिंग करवाऊंगी, पूरा आप ध्यान काउंटिंग पे रखें और साथ में ब्रीदिंग भी करते रहे। 4 सेकंड तक बाएं नासिका से सांस को अंदर लेना है और 6 सेकंड में हमने सांस को बाहर छोड़ना है, ये ध्यान दें। 4 सेकंड में सांस को अंदर, चलिए करते जाए। 1 2 3 4, सांस को बाहर छोड़ा। 1 2 3 4 5 6, सांस को अंदर ले। 1 2 3 4, सांस को बाहर छोड़े। 1 2 3 4 5 6, सांस को लिया। 1 2 3 4, सांस को बाहर छोड़ा। 1 2 3 4 5 6। अब धीरे से सांसों की गति को लेना तो हमने 4 में ही है, लेकिन छोड़ना हमने 8 में। होता है क्या है, कहा जाता है कि जितना हम सांस को लेते हैं उससे दुगनी गति से सांस को बाहर छोड़ना है, और इसका जो रेशियो बनता है वो है 1, 4 और 16, मतलब 16 सेकंड तक हमने सांस को बाहर छोड़ना है अनुपात में। तो चलिए करते जाए। सांस को लेना है 4 सेकंड, 1 2 3 4, पूरी फोर्स लगा दे सांस को बाहर छोड़ने में। यदि आपका सांस खत्म भी हो चुका है तो भी आप मन से ये करें कि मैं सांस को 8 सेकंड तक सांस को बाहर छोड़ूंगी ही छोड़ूंगी। चलिए करते जाए। सांस को लिया, 1 2 3 4, सांस को छोड़ा। 1 2 3 4 5 6 7 8, सांस लिया। 1 2 3 4, सांस छोड़े। 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर से सांस लिया। 1 2 3 4, सांस छोड़े। 1 2 3 4 5 6 7 8, कोशिश करें 12-10 तक पहुंचने की और 4 की स्थिति में ही सांस को लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सांस लिया। 1 2 3 4, सांस छोड़ा। 1 3 4 5 6 7 8 9 10, सांस लिया। 1 2 3 4, सांस छोड़ा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कोशिश करें 12 तक जाने की और 4
मेरी सांस को अंदर लेना है, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। रिलैक्स। अब हमने क्या करना है, होल्ड करना है इसको। 4 सेकंड में आपने सांस को लिया है, तो 8 सेकंड में सांस को होल्ड करें और 16 सेकंड में सांस को बाहर छोड़ना है। प्रयास करें। चलिए मैं आपको काउंटिंग करती हूँ और कुछ। सांस को लिया, एक दो तीन चार, होल्ड करें, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, सांस को बाहर छोड़ा, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह। फिर से एक बार और एक राउंड। 4 तक सांस लिया, एक दो तीन चार, होल्ड करें, एक दो तीन चार, सांस को लिया छोड़ा, एक सॉरी होल्ड करना है, होल्ड करें थोड़ी देर के लिए और अब सांस को बाहर छोड़े, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह। बाई नासिका से सांस को बाहर छोड़ते हुए वापिस आए, मुस्कुराते हुए वापिस आए। पूरा फोकस हमारा इस समय हाँ था, बहुत आनंद आया। आइए भ्रामरी प्राणायाम करेंगे 3 बार और भ्रामरी प्राणायाम को करते हुए दांतों को आपस में ना भीचे, मुंह दांत हमने खुले रखने हैं और 3 बार भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। ओम का उच्चारण 3 बार। विश्राम दे, अपने आप विराम दे, पूरा ध्यान अपनी सांसों पर टिकाए और उस परम सत्ता परमेश्वर के चरणों में धन्यवाद करें। हे परमात्मा, मैं तन से मन से और धन से आप इस मस्त राष्ट्र की सेवा करूंगा। तेरा जो दिया हुआ ये शरीर है, मैं अपनी राष्ट्र सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए लगाऊंगा और मैं संकल्प करता हूँ कि सबसे पहले मैं अपने आप को स्वस्थ रखूंगा और जब मैं अपने आप को स्वस्थ रख पाऊंगा तभी ये शरीर सेवा के काम आएगा। और हे परमात्मा, आप मुझे आशीर्वाद देना, सत गति देना, सत बुद्धि देना, जिससे कि मैं
सही के रास्ते पे सदमार्ग पे चल पाऊं। और इसी के साथ ये सत्र यहीं पे समाप्त होता है और शांति पाठ सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। शांति शांति। दोनों हाथों को रब करें और अपने मुखमंडल पे इस ऊर्जा को फेरे। प्रभु का आशीर्वाद समझ के पूरे शरीर में इस आशीर्वाद को महसूस करवाए और फिर से एक बार उठाया। ओमर हम ओम। इसी के साथ ही सत्र ओम। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने चंद्र नमस्कार के स्टेप बताए। चंद्र नमस्कार के स्टेप की जाने हमने उसके साथ साथ श्वास के कुछ प्रयोग भी बहुत अच्छे तरीके से किए। तो अभी आपको कैसा लग रहा है? हमारे साथ जितने भी भाई बहन जुड़े हुए हैं अपने अनुभव शेयर करना चाहे आपको अनुरोध कर सकते हैं। समय हमारे पास थोड़ा ही बचा है। अनम्यूट ऑप्शन दे दिया गया सबका। बोलिए भोरलाल जी ने अपने आप को हाँ, बहुत बहुत अच्छा लगा आज का सेशन। बहुत अच्छा लगा। तो क्या बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत ही सरल तरीके से एक एक स्टेप हमने तरीके बताए। चलता तो लेट से जुड़े पूरा हमने देखे 7 बजे जुड़े, आज थोड़ा लेट हो गया। चलिए कोई बात नहीं। देखिए कितनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है जहाँ पे रक्षा जी रहती है हिमाचल में। और जुनून जुनून होना चाहिए अंदर, एक जुनून होना इनके चाहिए। इनके प्रति देशभक्ति का पूरा है क्या? देशभक्ति किचन और में, समाज किचन सेवा में का बहुत बैठकर ज्यादा। चूल्हे के पास बैठकर क्लास ली है इन्होंने। हाँ देख रहे थे आप लोग, चूल्हा हाँ जल रहा, वायु भी चूल्हे के चूल्हा जल पास रहा था बैठकर क्लास ली बगल उन्होंने। एक जुनून होना चाहिए कि भाई गर्मी ठंडी इतनी लग पड़ रही है तो उसका भी इलाज उन्होंने ढूंढा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद रक्षा जी। सुनीता जी, सुमन जी, ओम आराम। बहुत ही अच्छे तरीके से क्लास ली, मुझे बहुत फ्रेश लग रहा है आज। बहुत फ्रेश लग रहा है, बहुत बढ़िया। धन्यवाद मैडम। सुमन जी पवार, ओम आराम। सर हम ओम लेट आराम। ज्वाइन हुए लेकिन बहुत अच्छा क्लास है, जितना ही देखे उतना बहुत अच्छा लगा। रक्षा मैडम का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्लास में आके थोड़ा नया सीखने को मिलता है इसलिए बहुत अच्छा लगता है। ज्वाइन बहुत होना बढ़िया। चाहते थे लेकिन थोड़ा लेट हो गए, सॉरी। मीना जी, और भी किसी को कुछ कहना हो तो अपने आप को अनम्यूट करें, नहीं तो हम समापन की ओर चलेंगे। नमस्कार मीनू सर। जी नमस्कार। नमस्कार रक्षा जी। हाँ बोलिए, आ रही है आपकी आवाज आ रही है। बहुत बढ़िया आज का सेशन, फुल पैकेज ऑफ आसनास प्राणायाम, फुल पैकेज दिया, गुड। बहुत बढ़िया लगा। मैं मीनू बाटला फ्रॉम दिल्ली और बिलोंग टू हिमाचल। कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी ओम गुड। आराम, ओम आराम। हाँ, और किसी को कुछ कहना हो तो अपने आपको अनम्यूट कीजिए। चंदू जी नहीं है मेरे ख्याल से, लेफ्ट हो गई है। संगीता झावर, सर बहुत ही अच्छा प्रोग्राम लिया उन्होंने, हमें पहली बार वानप्रस्थ चंद्र नमस्कार भी है करके। हमें तो इतना दिन तो सूर्य नमस्कार की जानकारी थी, चंद्र चंद्र नमस्कार नमस्कार भी का है। प्रयोग हमने पहले भी क्लासे ली हुई है, कल काफी दिन पहले। आप शायद जुड़ी नहीं थी तो हमने 2-3 महीने यस पहले भी क्लासे ली हुई है। इसमें अलग अलग वेरिएशन भी होता है, जैसे आपने बताया स्टेप्स, कहीं 14 स्टेप भी करवाते हैं, 16 भी करवाते हैं, और एक जगह मैंने देखा 20 स्टेप भी करवाते हैं। तो स्टेप अलग अलग हो सकते हैं लेकिन सबका रिजल्ट एक ही है। जी
रिजल्ट सबका एक ही समय में, थोड़े समय में भी सर बहुत कुछ बता दिया इन्होंने, थोड़े समय में बहुत बढ़िया बहुत ही अच्छा ट्रेनर है। चलिए ओम मरम सर बहुत ही अच्छे ढंग से, बोलिए नहीं इतना ही बोलना था, ओम मरम ओम जी अरहम जी ओम अरहम। तो समापन की ओर चले, दोनों हाथ जोड़ते हुए रीढ़ की हड्डी और गर्दन को बिल्कुल सीधा रखते हुए, आंखों को कोमलता से बंद रखते हुए संकल्प सूत्र का उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। शख्सा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इस कड़ाके की ठंड में भी आपने अमूल्य समय निकाल कर बहुत सुंदर क्लास ली आपने, इसके लिए की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज का सेशन हम यही एंड कर रहे हैं। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम।